આવતીકાલથી માધવપુરના મેળાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું ઉદ્ઘાટન કરી આ મેળાનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે. આ તકે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તથા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે. ત્યારે પોરબંદર જિલ્લા કલેક્ટર અશોક શર્માએ પત્રકાર પરિષદ યોજી પત્રકારો સમક્ષ સમગ્ર કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો હતો. આઝાદી કે અમૃત મહોત્સવ કે અંતર્ગત એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત થીમ પે આધારિત 4 દિન કા માધવપુર મહોત્સવ માધવપુર મેલા હોને જા રહા હૈ જો ભગવાન કૃષ્ણ ઓર રુકમણી જી કે મંગલ પરિણય કે સાથ જુડા હુઆ હૈ ઉસ દિવ્ય ઘટના કે સાથ જુડા હુઆ હૈ. कल 10 अप्रैल को शाम को 6 बजे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा और उसके साथ गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री, मेघालय और सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री और गुजरात और भारत सरकार के मंत्री श्री भी उसमें उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम की हाईलाइट ये रहेगी कि इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय संगठन का, राष्ट्रीय एकता का बोध होने जा रहा है और साथ में ही 4 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन होगा जिसमें हर दिन कोई न कोई महानुभाव आएंगे और बड़े ही अच्छे स्तर के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें न सिर्फ गुजरात लेकिन 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जो कलाकार हैं और उस कला के माध्यम में हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि पूरी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी थीम भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो परिणय है और उसके साथ जुड़ी हुई जो भी परंपरा है उन राज्यों में है उसको प्रदर्शित की जाएगी और उसके साथ वहाँ के जो हस्तकला के कारीगर हैं वो भी आएंगे. उनका भी स्टॉल लगा हुआ है, प्रवासन का भी स्टॉल लगे हैं तो उसके माध्यम से प्रवासन और सांस्कृतिक विरासत दोनों को बल देने का ये गुजरात सरकार का प्रयास है. सर राष्ट्रपति जा रहे हो, पोरबंदर आएंगे या डायरेक्ट आएंगे, क्या पोरबंदर का क्या प्रोग्राम रहेगा उसका डायरेक्ट? नहीं, माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं माधवपुर मेले में क्योंकि ये पूरे गुजरात में उनके 3-4 कार्यक्रम हैं तो उस कार्यक्रम को संकलित करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी आएंगे शाम को माधवपुर और माधवपुर में कार्यक्रम समाप्त करके वो उनका जो रात्रि का रोकान है वो वहाँ सोमनाथ में रखा गया है. सर जो भी डिग्री से आ रहे हैं उनका माधवपुर के माधवराज जी मंदिर में दर्शन करने का कोई प्रोग्राम नहीं है? वो अपना जो हर डिग्निटरी का अपना सातवीं हमने मेले के उद्घाटन के लिए आपको बताया, बाकी का जो अपने अपना जो कार्यक्रम है वो हर डिग्निटरी अपने तरीके से बनाएंगे और उनका जो माधवराय जी मंदिर है वहाँ के जो दर्शनीय स्थल है, मेला है, फिर जो जैसे कुछ महानुभाव पोरबंदर में भी आ रहे हैं वो भी यहाँ के दर्शनीय स्थलों को जरूर मुलाकात लेंगे.